गंगा सप्तमी 27 अप्रैल 2023 को है। शास्त्रों में गंगा जल के कुछ खास उपाय बताए हैं, जो गंगा सप्तमी के दिन करने से घर परिवार पर संकट का साया नहीं रहता और खुशहाली आती है। ऐसे में आप गंगा सप्तमी पर कर लें गंगा जल के 5 उपाय, जो आपके जीवन में धन संकट को दूर करेंगे और तरक्की के रास्ते खोल देंगे। गंगा सप्तमी पर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। शिव पर चढ़े जल को लेकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें, छत पर भी। मान्यता है इससे टोने टोटके का असर नहीं होता। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से परिवार में सुख शांति आती है। गंगा का जल बहुत पवित्र माना गया है। गंगा सप्तमी पर गंगा जल में काले तिल डालकर पीपल को अर्पित करें। कहते हैं इससे शनि दोष से राहत मिलती है। बेटी के विवाह में देरी हो रही है, सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो गंगा सप्तमी के दिन से 21 दिन तक पानी में गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। कहते हैं इससे गुरु मजबूत होता है और शादी में आ रही अड़चनें खत्म होती हैं। इस साल गंगा सप्तमी 27 अप्रैल गुरुवार को है। गुरुवार का दिन श्री हरि को समर्पित है। ऐसे में इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल में केसर डालकर अभिषेक करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिण्य नारण्य नमो नमः। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का नाश होता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी से डेढ़ माह तक पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से धन संकट दूर होता है, कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाता है।